मैं कोई समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं खालिस पत्रकारिता करना चाहता हूँ और वही कर रहा हूँ। संजोग से इस देश में जो विक्टिम है वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी है, तो मैं उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, पूरा देश पूरी दुनिया जानता है कि आज संविधान दिवस है। ये वो संविधान बाबा साहब ने दिया जिसमें हमारी ज़िंदगी के हक हिस्से हैं। अगर वो संविधान नहीं होता तो हम किसी गटर में नाला साफ कर रहे होते, हमारे शरीर पर एक कपड़े नहीं होते, और हम इंडिया गेट तो छोड़ दीजिए, हम अपने जो हमारे टाट फूस की घरें होती थी हम उस घर से निकल नहीं सकते थे। तो संविधान, ये संविधान नहीं है, ये इस देश का जो बहुजन समाज है और महिलाएं, चाहे वो किसी भी अपर कास्ट महिलाएं भी क्यों ना हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और महिलाएं, ये जो संविधान है वही उनका माई बाप रहनुमा जो कह लीजिए। अगर ये संविधान बाबा साहब ने नहीं दिया होता तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और महिलाएं, खासकर महिलाएं इस देश की, वो जो इंसान की जो बेसिक ज़रूरत होती है वो तो दूर की बात है, दरअसल उनको इंसान ही नहीं समझा जा रहा था। तो इसलिए संविधान दिवस पर मैं इंडिया गेट आया हूँ। दिन भर में रोज़ चार चक्कर लगते हैं लेकिन कभी मौका नहीं मिलता कि पिकनिक मनाऊँ, लेकिन आज पता चला कि यहाँ कैंडल मार्च है तो लगा कि चलो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम इंडिया गेट चलें और संविधान का क्या महत्व है और हर घर में संविधान हो इसकी कोशिश हो, और ये यहाँ से हम मैसेज देने के लिए हम लोग आए हैं।